स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने चूरू के सरदार शहर में राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने गांधी चौक में फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। यहां मुख्यमंत्री ने गांधी चौक पर हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन भी किया। देखिए, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहां पहुंच गए हैं, उनके साथ वही राजस्थान में वोटिंग को लेकर कम वक्त बचा है, लिहाजा सभी दल वोटरों को लुभाने के लिए तूफानी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अलवर के कैरथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला। आपने देखा होगा आज मैं अभी पहले जयपुर में था, फिर सरदार शहर में, आज राम जी की शोभा यात्रा निकल रही थी। कितना आनंद आ रहा था, कितना उत्साह था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज वो क्षण देखने के लिए आप हम सभी हैं, क्योंकि 500 साल का वो कलंक हम रामनवमी तो मनाते थे, लेकिन जब अयोध्या की तरफ देखते थे हमारे राम लला टेंट में विराजमान थे। देशभर में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। सियासी दलों के नेता भी रामनवमी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। वहीं राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा बादीकुई में हुई रामनवमी शोभा यात्रा में शिरकत करने पहुंचे। फिर एक बार इधर से बोले, फिर एक बार करने का लाभ मिला इसके लिए मैं। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में धौलपुर में जनसभा और रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। बीते 10 साल के भाजपा शासनकाल में किसान और महिलाओं को भरपूर सम्मान मिला है। वहीं चित्तौड़गढ़ के राशमी में कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल आंजना ने बैलगाड़ी पर बैठकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उदयलाल आंजना खुद बैलगाड़ी चलाते हुए दिखे। उन्होंने यहां केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ जमकर बरसे। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से सरकारी कर्मचारियों को धमकी दे डाली। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारी माहौल खराब कर रहे हैं, चुनाव के बाद सबका हिसाब होगा। और सुन लो, सारे सरकारी नौकरी वालों को यहाँ चेतावनी देकर जा रहा हूँ, रामगढ़ पछवाड़ा में सबकी लिस्ट तैयार हो रही है, कौन कौन माहौल को खराब कर रहा है, एक एक गांव से सूची तैयार हो रही है। जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है उसका एक एक का ब्याज समेत चुनाव के बाद हिसाब लेने का काम करेंगे। सरकारी नौकर कैसे प्रचार कर सकता है, उसको क्या अधिकार है, कैसे कह सकता है कि अगर मोदी आ गया तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए और नई सड़क का घंटाघर के बाहर धर्मपत्नी नौनंद कंवर के साथ राम दरबार के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद राम मंदिर बनाने का फैसला दिया था। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा में पूर्व सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। माला के लिए रूपा राम जी, धनदेव जी कोयला के लिए उमेश सिंह जी, तमाम से युद्ध रहेगा।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने अपना वचन पत्र जारी किया। वचन पत्र में रोजगार मेलों के जरिए 10,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को नौकरियां देने का वादा वैभव गहलोत ने इस वचन पत्र में किया है। और अब खबर राजस्थान के बीकानेर से। बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वैष्णी ने अपने मतदान का प्रयोग किया। उन्होंने पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट किया। यहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को मतदान करना चाहिए। वहीं अलवर लोकसभा चुनाव को लेकर बैरोड में विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान जसवंत ने बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के लिए मतदाताओं से आशीर्वाद भी मांगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अलवर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां बीजेपी पर दूसरे दलों के विधायकों और सांसदों को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि बीएसपी गरीब मजदूर पिछड़े और मुसलमानों के बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बारह जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से 2 मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को 26 अप्रैल को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर तोमर की पहल पर ये रथ जिले की स्वयंसेवी संस्थाएं प्रगति संस्थान और संस्कार सेवा संस्थान की सहभागिता से तैयार किया गया है। वहीं बीकानेर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराए जाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। भयमुक्त वातावरण के चुनाव में पुलिस की अहम भूमिका होती है और चुनाव को लेकर पुलिस के अधिकारी और जवान अपनी जिम्मेदारी को समझें, यह बात पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने पुलिस लाइन में आयोजित मीटिंग में कही। हम शानदार तरीके से करें, यही मेरी आप सबसे उम्मीद है। बीकानेर की जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता विश्मी ने बुधवार को डूंगर कॉलेज में पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया। श्रीमती विश्मी ने मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपना पहचान पत्र प्रस्तुत किया। हम उसको दिखाते नहीं ना। वहीं रामनवमी को लेकर देशभर में जश्न का माहौल है। इसी को लेकर डूंगरपुर में भी भगवान श्रीराम की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बादल महल से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा शहर में 3 किलोमीटर तक निकाली गई। हम आपको दिखा रहे हैं डूंगरपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा में राम भक्तों ने जमकर आतिशबाजी की और साथ ही साथ राम भक्तों ने नृत्य भी किया। भगवान श्री राम के भजनों पर जमकर नृत्य किया गया। आतिशबाजी करते हुए राम भक्त दिखे। राजस्थान के डूंगरपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, सुरक्षा बल मौजूद थे। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए हिंदी खबर।